बीजेपी आज जारी कर सकती है तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। टाइम्स और नवभारत के पास संभावित प्रत्याशियों के नाम। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी का यूथ मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। मैनपुरी की करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान, पार्टी का गढ़ रही है करहल विधानसभा सीट। मिशन यूपी पर बीजेपी के दिग्गज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे आगरा का दौरा, बरेली में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को देंगे बड़ी सौगात। सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को संबोधित करेंगे। आज से नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी अमर जवान ज्योति। इंडिया गेट पर हमेशा के लिए बुझ जाएगी मशाल। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था वॉर मेमोरियल का उद्घाटन। देश में कोरोना ने तोड़ा 8 महीने का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 3,17,532 नए केस, 451 की मौत। कोरोना वायरस से जूझ रही लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज जारी। आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर ने अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की अपील। T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी। अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे मुकाबले। 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। और दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर। सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक।